नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी वीकली स्पोर्ट्स अपडेट की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित चौबे और इस एक हफ्ते में वीकली स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं, चाहे रेसलिंग हो, चाहे हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे गोल्फ हो, बहुत सारी खबरें आई हैं। और तो इंपॉर्टेंट जो खबर है वो मैं आपको देने की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले शुरू करेंगे हॉकी से। हॉकी की जो पूर्व भारतीय वुमेन्स खिलाड़ी हैं, जो कप्तान रह चुकी हैं, वायकॉम सूरज लता देवी, अपने पति पर डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटल टॉर्चर का इल्जाम लगा दिया है। ये वायकॉम सूरज बाला देवी ये वही वुमेन्स खिलाड़ी हैं जिन्होंने कप्तानी करी थी और लाइफ पर इंस्पिरेशन लेकर के एक फिल्म बनी थी बॉलीवुड में, जिसको हम सभी ने बहुत सराहा था, बहुत ज्यादा प्यार दिया था। शाहरुख खान ने कोच की भूमिका निभाई थी और वो उस फिल्म का नाम था चक दे इंडिया। इनकी कप्तानी में भारत ने 2002 की कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड मेडल झटके थे और इनकी लाइफ इतनी इंस्पायरिंग रही है कि उस इंस्पिरेशन को देखते हुए फिल्म उन पर बनाई थी। हालांकि इन्होंने अपने पति पर इस समय डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटल टॉर्चर का केस ठोक दिया है। अब चलते हैं दूसरे खेल की तरफ, मैं बात करूंगा फुटबॉल से। फुटबॉल की अगर मैं बात करूं तो आईएसएल का फाइनल मुकाबला गोवा में खेला जाएगा। जो आईएसएल की चेयरपर्सन है नीता अंबानी ने कहा कि फुटबॉल के इतने एंथुसियास्ट हैं गोवा में, इसको देखते हुए फुटबॉल में जितनी रुचि ली है गोवा की पब्लिक ने, उसको देखते हुए और किस तरीके से एफसी गोवा की टीम ने पिछले 6 सीजन में जबरदस्त प्रदर्शन किया है इस आईएसएल मुकाबले में, उसको देखते हुए ये फाइनल मुकाबला जो है वो गोवा में रखा जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आईएसएल की जो लीग कप शील्ड होती है वो गोवा की टीम जीत चुकी है। और एक और चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, जो इनके कप्तान है मंदार और उनके जो हाईएस्ट स्कोरर हैं कोरो, इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कमाल का है, इनकी मैनेजमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कमाल का है। और एक चीज और आपको बताना मैं जरूर चाहूंगा कि जो भी टीम इस आईएसएल का फाइनल मुकाबला जीतेगी वो स्ट्रेट क्वालिफाई कर लेगी एएफसी कप क्वालिफायर्स के लिए। अब चलते हैं गोल्फ की तरफ। गोल्फ में हीरो इंडिया ओपन है जो कि खेली जाएगी, जो कि फर्स्ट सीजन इवेंट माना जाता है इंडियन गोल्फ की अगर मैं बात करूं। और इसमें जितने भी खिलाड़ी हैं भारत के जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया भारत के लिए, एसएसपी चौरसिया हो, शुभांकर शर्मा हो, अनिर्बान लहरी हो, राशिद खान हो, ये सारे के सारे खिलाड़ी इस एक छत के नीचे आएंगे, एक छत के नीचे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और परफॉर्मेंस करेंगे। शुभांकर शर्मा की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एसएसपी चौरसिया की बात करूं, एसएसपी चौरसिया ने इस इवेंट को 2016-2017 में जीता था, तो काफी कॉन्फिडेंस लेकर वो आएंगे अगर इस पर्टिकुलर इवेंट में जब वो आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। ये हीरो इंडिया ओपन जो है एक हाई प्राइज मनी इवेंट है, ये 19 से 22 मार्च में खेली जाएगी और इसकी जो प्राइज मनी है वो $ की अगर मैं बात करूं तो 1.75 million है। अब चलते हैं रेसलिंग की तरफ। रेसलिंग में जितेंद्र कुमार ने एशियन बेसिकली चैंपियनशिप जो खेली जा रही है वहां पे सिल्वर मेडल हासिल किया है, लेकिन उन्होंने क्वालिफाई कर लिया टोक्यो ओलंपिक्स के क्वालिफायर के लिए। सुशील कुमार के लिए दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि उन्होंने इस इवेंट को स्किप किया था इंजरी की मर्तबा, इंजरी की जानिब से अगर मैं बात करूं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि रवि दहिया ने 57 kg मेंस फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीत लिया, तो एक बहुत अच्छी बात है भारतीय कुश्ती, भारतीय पहलवान की अगर मैं बात करूं। तो ये थी सारी खबरें। अब वीकली स्पोर्ट्स अपडेट्स की बात करूं, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें मैंने आपको बताई हॉकी की जानिब से, फुटबॉल की जानिब से, गोल्फ की जानिब से। और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल स्पोर्ट्स क्रेजी को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। टेक केयर, गुड बाय, सुबह खैर।